नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे हम। हमने पिछले लेक्चर तक चार गुणधर्म पढ़े हैं ना। मैंने आपसे कहा आवेश के गुणधर्म में कुछ वो हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, कुछ वो हैं जो आपके लिए नए हैं। दोनों ही आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। जो आप जानते हैं वो तो आप समझ ही जाएंगे, जो नहीं जानते वो मैं समझाने का काम करूंगा। आवेश के गुणधर्म कंटिन्यू कर देते हैं। आज वापस टॉपिक तो लिख देता हूं, वैसे ये टॉपिक पिछले से चला हुआ आ रहा है, आवेश के गुणधर्म। क्लियर सब है ना? तो पिछले एपिसोड से रनिंग में है ये टॉपिक, है ना। आवेश के गुणधर्म में चार हो चुके, अब आज गुणधर्म नंबर 5 है ना। आवेश का पांचवा गुणधर्म सिंपल सा है, द्रव्यमान की भांति आवेश भी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान भी स्केलर, आवेश भी अदिश। द्रव्यमान तो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन आवेश धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए प्रकृति दोनों की योगात्मक है, अर्थात द्रव्यमान में भी अगर आपसे पूछे कि कुल द्रव्यमान, तो आपको ये प्रत्येक पार्टिकल के द्रव्यमान के बीजगणितीय योग के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कुल आवेश, तो यहां आपको थोड़ा सा सोचना है, ध्यान रखना है। हैं दोनों अदिश राशि, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों की प्रकृति योगात्मक है, लेकिन द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए किसी निकाय में या किसी सिस्टम में कुल आवेश, उसमें उपस्थित धन व ऋण आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह बीजगणितीय योग जो आवेश का करना है वो चिन्ह सहित करना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से मैं आपको समझाऊं, ये कोई सिस्टम है, इसमें -2 माइक्रो कूलाम, +4 माइक्रो कूलाम, -3 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, इस टाइप से। अगर मैं आपसे पूछूं कुल आवेश कितना है, तो +4 माइक्रो कूलाम, -2 माइक्रो कूलाम, -3 माइक्रो कूलाम, तो इसका आंसर हुआ -1 माइक्रो कूलाम। यानी किसी निकाय में कुल आवेश प्रत्येक आवेश के चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जब आवेश टोटल आपसे कोई पूछे, तो आप उनका योग चिन्ह सहित, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में 25 द्विध्रुव हैं, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, जैसे मान लो HCl, तो H+ और Cl-। अब आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन किया गया कि किसी सिस्टम के अंदर 25 द्विध्रुव हैं, HCl द्विध्रुव का उदाहरण है, तो अब 25 ही H+ हुए और 25 ही Cl- हुए। अब आपसे कोई पूछता है कि निकाय में कुल आवेश कितना होगा, तो सब 25 ही धनात्मक आवेश और 25 ही ऋणात्मक आवेश, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि आवेश का जब भी योग करे, आवेश के चिन्ह सहित योग करें, जैसे अपन यहां कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण और ले लेता हूं इसी संदर्भ में, फिर इसको बात को बढ़ा नीचा है। जैसे मान लीजिए आपसे दो चीजें पूछी, सब हीलियम नाभिक पर आवेश बताओ और हीलियम परमाणु पर आवेश बताओ। यहां से थोड़ा समझना ठीक भी रहेगा और छोटे छोटे ज्ञान किसी ने किसी के द्वारा आपके अंदर भेजने भी हैं, तो वो हमारे को आगे जरूरत पड़ती वो भी हो जाए। दो बात पूछी आपसे, पहले तो पूछी हाइड्रोजन के, सॉरी हीलियम के न्यूक्लियस पर आवेश है ना, यानी नाभिक पर आवेश। अब नाभिक की बात करें सब, तो नाभिक पर आवेश क्यों, वन लिख देता हूं उसको, अपने बीच में समझना।
कितने प्रोटॉन है साहब? दो प्रोटॉन है। प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर व धनात्मा के। तो साहब कुल आवेश कितना हुआ? प्लस टू ही। मात्रा में आपसे कोई पूछे तो 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 16 × 32 यानी 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। नाभिक पर आवेश इतना और प्रकृति उसकी कौन सी? धन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा परमाणु पर आवेश एटम पर, है ना? यहां पर आपको चिन्ह से जोड़ दिख जाएगा एटम पर आवेश को क्यों से बताऊं। अब एटम में साहब नाभिक भी है तो नाभिक पर तो आवेश कितना है तो अपन ने देख लिया। ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि दो प्रोटॉन है, दो ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन भी है, दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना 2×2, हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन नेगेटिव। तो साहब परमाणु में कुल आवेश कितना हुआ? जीरो। यहां पर आपने देखा कि मैंने अगर आवेश का कुल योग किया तो चिन्ह सहित योग करना पड़ता है ना। तो साहब छोटी सी बात, ज्यादा लंबा लेना उचित नहीं। यह प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अपन आवेश की इकाई यानी आवेश के मात्रक की बात करें। इकाई 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 को छोड़ो, आप मात्रक की बात कर लें, ठीक है ना? आवेश की इकाई, ठीक है ना? एसआई पद्धति से बात करें। एसआई पद्धति में आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं, इसे सी द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर सब? आपने 11 से पढ़ा होगा कोई मात्रक विशिष्ट है, विशेष है तो उसकी भी परिभाषा देना चाहिए। ये परंपरा भी है, जरूरी भी है क्योंकि हमारे को उससे कई जानकारियां मिलती। तो साहब ऐसे तो मैंने सिंपली आपको बता दिया एसआई पद्धति में आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं, जो मैंने लिख भी दिया। अब स्वाभाविक है व्हाट इज कूलाम, कूलाम क्या है? तो साहब ऐसे सिंपल समझ लीजिए आप, धारा बराबर आवेश बटा समय, इसलिए आप कह देंगे आवेश बराबर धारा इंटू समय। क्लियर सर? यदि धारा में 1 एम्पियर लूं और समय 1 सेकेंड लूं तो 1 × 1 = 1 कूलाम। यानी किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहते हैं। यहां से आपने मात्रक कूलाम की भी परिभाषा बता दी, क्योंकि परिमात्रक की परिभाषा बताने के लिए कोई फॉर्मूला वैसा वाला चीज जिसमें वो भौतिक राशि विद्यमान हो जिसके आप मात्रक की परिभाषा देना चाहते हैं। तो आवेश विद्यमान हो तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला, जिसमें आवेश विद्यमान है तो साहब इससे आपने मात्रक यानी आवेश के मात्रक कूलाम को भी डिफाइन कर दिया कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलाम कहते हैं। अगर विमा जाननी है तो विमा आप यहीं से निकाल लो, है ना? आवेश की विमा m0 l0, मास और लेंथ इसमें है ही नहीं लेकिन समय इसमें है, सेकंड ने दिखा रखा, और धारा इसमें है। तो इसका जो डायमेंशन है यानी जो इसकी विमा है उसको आप क्या लिखेंगे? T1 A1 क्योंकि M0 और L0, ठीक है सर? अब सब थोड़ी सी कोई विशेष बात को समझिए। कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है, यानी कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है ना? कितना बड़ा मात्रक है सब कूलाम? तो मैं आपको कुछ उदाहरणों से यह समझाता हूं कि सब कूलाम कितना बड़ा मात्रक है, है ना? तो सब एक मिनट। हाँ सर, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है।
ये जो मैं कह रहा हूं इसको मैं प्रूव भी करूंगा समय आने पर फिलहाल मैं मात्र कुलाम की विशालता को समझाता हूं। जैसे ये पिंड ए है, ये पिंड बी है, बॉडी ए और बी आपको दिखा दू। अगर आपको बॉडी बी को ऋण आवेशित करना हो तो बॉडी ए से आप क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन के अधिक कैसे वस्तु क्या होती है? ऋण आवेशित है ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होती है? धन। तो साहब आपको बी जो पिंड है, गोला है, इसे ऋण आवेशित करना है। इस पर आप लाना चाहते हो एक कूलाम ऋण आवेश। ऋण आवेशित करना है तो ऋण आवेश बोल दिया मैंने। तो आप बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गमन करें तो ये ऋण आवेशित या ऋण एक कूलाम आवेश। तो मैं आपको बताता हूं, -1 कूलाम आवेश बी पर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जब इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तब जाकर यह -1 कूलाम के बराबर आवेश प्राप्त करेगा। यानी एक कूलाम ऋण आवेश लाने के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए। क्लियर साहब, यह मात्रा बहुत बड़ी मात्रा है, है ना। तो सब एक कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, एक तरीका तो कूलाम की विशालता बताने का। कूलाम की विशालता बताने का दूसरा तरीका समझाता हूं। ए और बी दो धात्विक पिंड हैं, ऐसे बी की ओर प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 10⁻¹ है। यानी एक सेकंड में 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन ऐसे कहां जा रहे हैं? बी की तरफ। तो ऐसे बी की तरफ एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय लगभग 200 वर्ष होगा। अब आप सोचो कि ऐसे भी पर सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित हो रहे हैं। तो एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हुआ? 200 साल। तो आप समझ गए होंगे कि कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है। एक और उदाहरण देता हूं सर, अगर ये लोहे का गोला 60 मीटर व्यास का है, इसका डायमीटर सर यानी इसकी रेडियस 30 मीटर है। अब आप अज्यूम कर सकते हैं जैसे भी अज्यूम करना चाहें, या तो आप 60 मीटर से अज्यूम कर लें कि 60 मीटर कितना मीटर, फुट नहीं कह रहा हूं मैं, तो 60 मीटर कितना होता है उसको अजम्पशन करके देख लीजिए, है ना। इतना बड़ा धातु का गोला, अब आप सोचो एक फील्ड, बड़ा सा मैदान, इतना बड़ा धातु का गोला, जब आप उसको एक कूलाम आवेश देंगे तो वह एक कूलाम आवेश लेने में सक्षम नहीं। तो सर इन उदाहरणों से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आवेश की इकाई कूलाम बहुत बड़ी है। तो स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी इकाई है तो इस इकाई का सामान्यतः उपयोग नहीं होता होगा। इसलिए सामान्य आवेश के जो अपगुणजम काम में लेते हैं माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम का मतलब 10⁻¹, एक कूलाम का 1,000,000वां भाग, कूलाम तो काम में ले नहीं सकता, है ना। नैनोकूलाम यानी 10⁻¹ कूलाम, पिकोकूलाम यानी 10⁻¹ कूलाम। तो सब हम आवेश की इकाई के रूप में उसके अपगुणज माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है सर, मात्रक बड़ा है, कैसे वो सब समझा गया। अब आगे चलें सर, सीजीएस में आवेश की इकाई सामान्यतः अपने अगर एकेडमिक सिलेबस में देखें तो सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां कोई बात आती है जरूरत पड़ती है तो बता दें। आवेश की सीजीएस इकाई का नाम है इलेक्ट्रो स्टेटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रो स्टेटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको ईएसयू कह सकते हैं या हिंदी में आप इसे स्टेट कूलाम कह सकते हैं। तो सब आवेश की सीजीएस इकाई स्टेट कूलाम यानी ईएसयू और फुल फॉर्म के रूप में देखे तो इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट है। अब स्वाभाविक है सीजीएस मात्रक बताया है तो सीजीएस और एमकेएस मात्रक में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लेना एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ ईएसयू, या यूं कह दें स्टेट कूलाम का कितना गुना, 3×10⁹ गुना, इसको हम कहते हैं एक कूलाम। तो ये सीजीएस और एसआई मात्रकों का कंपैरिजन हो गया। लास्ट ही लास्ट में इसमें बताते हैं सब आवेश की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई, है ना। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई तो ईएसयू है, एक ईएसयू बराबर, अब एक ईएसयू बराबर आप समझ लो एक कूलाम इंटू 10⁻¹, है ना, कूलाम। ये ध्यान रखना ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, है ना, एक मात्रक इसका या एक नाम इसका फ्रैंकलिन भी है ईएसयू का। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार वो रूटीन में आती हैं, बोलने में नहीं आ पाती, वो आप ध्यान आ गया मैंने बता दिया। तो सर आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन मतलब ईएसयू है, एक ईएसयू बराबर 1/3×10⁹ कूलाम। आवेश की सबसे बड़ी इकाई फेराडे है, एक फेराडे, ये एक फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर है ना, एग्जैक्ट तो 96,495 कूलाम है, उसको मैंने राउंड फिगर में लिख दिया 96,500 कूलाम। तो आवेश की सबसे बड़ी इकाई फेराडे है और सबसे छोटी इकाई ईएसयू है। ईएसयू कितना होता है और फेराडे कितना होता है ये आपको बता दें। ये सब आवेश के अब अपने कितने गुणधर्म हो गए, 6 हो गए ना। अब अपन आवेश के 7वें गुणधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ये है कि बातें थोड़ी थोड़ी बड़ी आने लगेंगी, कोई कठिन नहीं, बड़ी थोड़ी, है ना। अब आ जाइए साहब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम के दो या सिद्धांत के दो जो भी है ना। ये सब अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात को इंपॉर्टेंट मानते हैं, हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाएगी कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंट देख, नहीं ऐसा नहीं होता, हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है क्योंकि आगे उनकी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, प्रकृति में या इनको प्रकृति के मूलभूत नियम कहते हैं। प्रकृति के मूलभूत नियम 3 हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो आपने 11th में पढ़ा था, जिसके अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति संभव नहीं विनाश, ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया, ये प्रकृति का मूलभूत नियम है। दूसरा भी आपने 11th में पढ़ा था रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत में आपने पढ़ा था कि यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित हो यानी कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो वस्तु का संवेग सदैव नियत रहता है। और प्रकृति का मूलभूत तीसरा नियम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो आपको अभी पढ़ा है। इनको मूलभूत कहने के पीछे छोटा सा एक रीजन है, मूलभूत में इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 नियम है जिसके कारण या जिससे ये प्रकृति चलती है। जैसे अपन सोचते हैं ना साहब ये
इधर से अस्त हो रहा है, इधर से उदय हो रहा है, ये चांद आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये प्रकृति में जो भी हलचल देखा करते हैं आसमान की तरफ या हमारे इर्द गिर्द। आप आसमान की तरफ भी तक पहुंच क्यों पहुंचते हो, आपके अपने इर्द गिर्द। तो ये सब चीजें एक सिस्टम में है, ऐसा नहीं कि सब चीजें ऐसे दुप्पल में चल रही हो, नहीं नहीं नहीं, दुप्पल में नहीं। ये सब प्रकृति के मूलभूत नियम है, ये आधार स्तंभ है जो प्रकृति को संभाले हुए, प्रकृति इनसे चलती है। किसी वस्तु में या प्रकृति में उपलब्ध कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन तीनों नियमों का उल्लंघन कर सके। हर वस्तु को इन तीनों नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाए सब, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था वैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी विलग विलगित या पृथक कर, तीनों का मतलब एक ही बात है। मैं विलगित बोलूं, मैं विलग बोलूं, मैं पृथककृत बोलूं, तीनों का मतलब आइसोलेटेड यानी सबसे अलग है ना सर। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के लफ्ज कठिन होते हैं तो वहां इंग्लिश कंफर्ट हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो साहब किसी पृथक या विलग निकाय में कुल आवेश मतलब धन एवं ऋण आवेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात धन और ऋण आवेश के बीजगणितीय योग को किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना संभव नहीं है, है ना। या सीधे सीधे कहें तो आवेश की न तो उत्पत्ति संभव है नहीं उसका विनाश कर सकते, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करना संभव है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। बिल्कुल शॉर्ट में बोलो तो ये बोल दो, किसी विलग पृथक्कृत या विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। क्या सर, तो बोलने के अलग अलग तरीके हैं, ले देखे बात है कि कुल आवेश सदैव नियत रहता है, या किसी विलग निकाय में कुल आवेश किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसके कुछ प्रमाण दें अपन। वैसे तो मैंने कह दिया प्रकृति का मूलभूत नियम है, तो संपूर्ण प्रकृति को इस नियम का पालन करना ही है, फिर भी संतुष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देना आवश्यक है। एग्जाम्पल वन, जैसे अपन ने फेराडे के प्रयोग में कहा कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच और रेशम प्रारंभ में तो निरावेशित थे जब उनको रगड़ा नहीं गया था, तो कांच निरावेशित मतलब क्यू बराबर जीरो, रेशम निरावेशित मतलब क्यू बराबर जीरो। जब दोनों को रगड़ा गया तो कांच भी आवेशित और रेशम भी आवेशित, लेकिन कांच धनावेशित और रेशम उतना का उतना ही ऋणावेशित। अगर टोटल देखें तो अभी भी कितना जीरो ही है, क्योंकि कांच पर जितना धनावेश है उतना का उतना रेशम में ऋणावेश है, यानी पहले भी आवेश जीरो था और अंत में भी देखें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न धन आवेश ठीक उतना ही होता है जितना रेशम के कपड़े में उत्पन्न ऋण आवेश की मात्रा होती है, अर्थात प्रारंभ में भी दोनों उदासीन थे और अंत में भी उदासीन। आवेश किसी भी प्रक्रिया से परिवर्तित करना संभव नहीं। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू में आप नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आदि के भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एक ले लेते हैं कोई भी, है ना। नाभिकीय संलयन, सॉरी नाभिकीय विखंडन 92-238, ये यूरेनियम दिखा दिया मैंने, है ना। 92-238 इसका विघटन हुआ यानी अल्फा पार्टिकल डिफॉर्म हुआ, इसमें से निकला हीलियम के नाभिक को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। शेष बचा नाभिक थोरियम 92-234। स्वाभाविक है जो ऊपर लिख रही है तो द्रव्यमान संख्या है जो आवेश को नहीं दर्शाती,
लेकिन नीचे जो लिख रही है ये प्रोटोन की संख्या है जो आवेश को दर्शाती है। तो सर यहां पर कितना आवेश? 92 प्रोटोन के बराबर। 92 प्रोटोन के बराबर तो इतना लिख दूं, ये 92 प्रोटोन। प्रक्रिया घट चुकने के बाद ये देखो इस पर 2 प्रोटोन के बराबर आवेश और इस पर 90 प्रोटोन के बराबर आवेश। मतलब अभी भी आवेश कितना रहा? 92। तो डिफॉर्म होने से पहले यानी यूरेनियम के विघटित होने से पहले और विघटित होने के बाद दोनों समय आवेश जितना था उतना ही रहा। मतलब आवेश किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना संभव नहीं है। यह आपके सामने एग्जाम्पल में साफ दिखा दिया, साफ स्पष्ट हो रहा है, ठीक है सर। अब साहब अगला उदाहरण इसी आवेश संरक्षण के नियम का, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, है ना। तो युग्म उत्पादन ले लें पहले, है ना, उत्पादन, ठीक है सर। पेयर प्रोडक्शन, है ना, पेयर प्रोडक्शन में जैसे ये मैटर है, द्रव्य है, है ना। मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। जब इससे गामा फोटोन या इस पर गामा फोटोन अटैक करता है, अब आप जानते हैं ये विद्युत उदासीन पार्टिकल है। गामा फोटोन कहने की भी जरूरत नहीं, आप तो सिंपल फोटोन कह दो। तो सब जब फोटोन इस द्रव्य पर अटैक करता है तो द्रव्य से 2 आवेशित पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं। एक आवेशित पार्टिकल तो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन पर इधर लिखना रहता है आवेश, ये भी सब छोटी छोटी बात है ना। तो सब जब गामा फोटोन द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, उससे टकराता है, तो 2 आवेशित पार्टिकल जिसमें एक तो बता दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। इसको एग्जैक्ट देखो ऐसे लिखा जाता है, इसको मिटा दूं एक बार में, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश तो बताते हैं अपन नीचे की तरफ और द्रव्यमान बताते हैं इस, है ना। और दूसरा आवेशित पार्टिकल इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, है ना, ये पॉजिट्रॉन, क्लियर सर। तो सब गामा फोटोन जब द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो 2 आवेशित पार्टिकल इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम कहते हैं युग्म उत्पादन। अब युग्म उत्पादन की यानी जोड़े से पैदा होने वाले की इस प्रक्रिया में देखो तो गामा पर कोई आवेश नहीं। प्रक्रिया हो चुकने के बाद भी अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो प्रक्रिया के बाद भी अगर आप देखें तो कोई आवेश नहीं, यानी किसी भी प्रक्रिया द्वारा आवेश की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसकी विलोम प्रक्रिया जिसमें गामा फोटोन अन्योन्य क्रिया करके, सॉरी जिसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कर गामा फोटोन उत्पन्न करते हैं, उसे युग्म विनाश कहते हैं। अब उसकी अपोजिट प्रक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्म विनाश, है ना, पेयर इनहेलेशन। ये सब एक तो बता दिया इलेक्ट्रॉन और एक बता दिया पॉजिट्रॉन, है ना, जीरो है ना आवेश। ये सब गामा फोटोन क्रिएट करते हैं, 2 गामा फोटोन दिखा दिए। इस प्रक्रिया को जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन संयोग कर गामा फोटोन का उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्म विनाश। इसमें आप देखें तो पहले आवेश देखें इलेक्ट्रॉन पर माइनस सी और पॉजिट्रॉन पर प्लस सी यानी 0, और बाद में आवेश देखें तो भी कितना है, 0। तो सर ये कुछ तथ्य थे जिनसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं या ये हम बताते हैं कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा आवेश की न तो उत्पत्ति संभव है न ही आवेश का विनाश हो सकता, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने का बताता हूं
थोड़ा सा आपको मजा आएगा, कुछ चीजें इसमें अटैच करते हैं, है ना, अर्थ है। खिलर साहब, इसके अराउंड जो वायुमंडल है, विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल की भी खूब सारी परतें हैं, उसको अपन आयन मंडल के चारों तरफ, जो समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना साहब, आयन मंडल, ऐसे उनके हमने नाम है। तो सब मैं अर्थ और आयन मंडल की बात कर रहा हूं। आयन मंडल पृथ्वी धरातल से 80 से 400 किलोमीटर का मोटा भाग है, है ना, काफी मोटा ही, पर इसकी धरातल यानी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 80 किलोमीटर है और अंत इसका 400 किलोमीटर। इस भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल को आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि सब सनलाइट इस पर आके गिरती है, तो सनलाइट जब इस पर आकर गिरती है तो इसमें जो भी अल्प मात्रा में गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा के कारण आयनित हो जाती है, तो धन भी पैदा होता है, ऋण भी पैदा होता है। पृथ्वी ऋण आवेशित है। अब कैसे है, क्यों है, इसको चर्चा में अभी नहीं लेंगे अपन, फिर कभी अर्थ के बारे में जब अपन पढ़ेंगे उस समय चर्चा में लेंगे, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड जो आयन मंडल है उसमें आयन है, जहां धन आयन भी है, ऋण आयन भी है। अर्थ ऋण आवेशित है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि उसकी डिटेल में जाएंगे तो कैलकुलेशन है। अब स्वाभाविक है, आयन मंडल का धन आवेश पृथ्वी पर उपस्थित ऋण आवेश को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ऐसा कोशिश ही नहीं, ऐसा वास्तव में होता भी है। यानी अगर इस प्रक्रिया को घटने दें, होने दें, तो लगभग 4 मिनट 53 सेकंड अपन रफली मान ले, आपको समझाने के लिए कि रफली 5 मिनट, वैसे तो 4 मिनट 53 सेकंड ही पड़ा हुआ है मेरा, तो सब रफली इतने समय में पृथ्वी विद्युत उदासीन हो चुकेगी। क्लियर सब? अब सब पृथ्वी विद्युत उदासीन हो चुकेगी, तो आपके हिसाब से ये हुआ कि इसका मतलब यहां पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि जितना था उतना रहा नहीं, जबकि पृथ्वी तो आइसोलेट है, ऐसा नहीं सब, यहां भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। कैसे? पृथ्वी निश्चित रूप से आयन मंडल के धनावेश के कारण अपने ऋण आवेश को खोती जाती है, खोती, ये धनावेश इस ऋण को एब्जॉर्ब करता है ना, लेकिन बिजली का गिरना, तड़ित झंझा यानी बादलों की बहुत तेज आवाज होना आदि इत्यादि की प्रक्रिया इस पृथ्वी को खोया हुआ आवेश देकर जाती है। आप तो स्पष्ट रूप से बिजली गिरना समझ, बिजली गिर के कहां आती है, अर्थ पर। ये जो बिजली गिरती है ये बार बार उतना आवेश देकर चली जाती है जितना पृथ्वी खो रही है, किसके कारण, आयन मंडल के कारण। तो सब स्थिर विद्युत की में ये स्पष्ट किया है कि बिजली क्यों गिरती है, है ना। अब आप समझ सकते हैं बिजली को गिरना पड़ेगा क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम का पालन होना है, और उसी नियम के पालन के लिए अब आप समझ जाओ हर 5 मिनट में तो बिजली को गिरना ही गिरना है, क्योंकि हर 5 मिनट में अपन कह रहे हैं कि साहब ये आवेश समाप्त हो जाए अगर कोई प्रयास न किया जाए, तो स्वाभाविक है हर इस 4 मिनट 53 सेकंड के अंदर बिजली का गिरना जरूरी है। ये बिजली गिरती है और पृथ्वी जो आवेश खोती है उसको देकर जाती है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का सबसे शानदार उदाहरण है। यानी हम ये मानते हैं कि बिजली का गिरना अगर स्पष्ट होता है तो स्थिर विद्युत की से। ये सब 7 प्रॉपर्टी होगी। अब 8वीं प्रॉपर्टी है ना, आवेश के गुणधर्म में ये 8वीं प्रॉपर्टी, इसमें 2 पीस में होगी बात, पहले 1 पीस कर लेते हैं कंप्लीट। आवेश का क्वांटम, 1 पीस तो ये है, और क्वांटीकरण, ठीक है सर,
दो बातें, अब आवेश का छोड़ दो, फिलहाल शब्दों को पकड़ लो, आवेश का तो बाद में बात करेंगे ना, अब आवेश का बाद में बात करना होगा हमें, पहले शब्दों पर, पहले क्लियर करते हैं शब्द क्वांटीकरण है ना, क्वांटीकरण शब्द का क्या अर्थ है पहले इसको क्लियर करते हैं है ना। क्वांटीकरण शब्द प्रोसेस के लिए है, ये प्रक्रिया के लिए है। अब कौन सी प्रक्रिया सब तुझे, अब वस्तु से समझो या भौतिक राशि, अपन डायरेक्ट भौतिक राशि से आ जाते हैं, मैं वस्तु से भी आपको समझा। भौतिक राशि, भौतिक राशि का आदान प्रदान, विनिमय, अंग्रेजी में कहें तो एक्सचेंज, दो तरह का होता है, एक तो कंटिन्यू सतत, एक डिसकंटिन्यू यानी उसको अपन कहते हैं विविक्त, उसको अपन दूसरे रूप में कहते हैं बंडलों के द्वारा। तो भौतिक राशि का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान के दो तरीके हैं, एक तो आदान प्रदान सतत होता है, जैसे मान लो अपन पतंग उड़ाते हैं तो जैसे जैसे पतंग उड़ रही है वैसे वैसे हम धागा देते जाते हैं है ना, जितना पतंग धागा मांगती हम धागा देते चले जाते हैं। यहां आदान प्रदान में कोई पीस ही नहीं, यानी यहां तो लगातार धागा जा रहा है, उसमें कोई टूटन नहीं है, हर समय जितना धागा पतंग मांगती जा रही है हम देते जा रहे हैं। ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए आपके हाथ में धागा है और दूसरा जना उसको खींच रहा है, तो दूसरे के हाथ में हर समय रस्सी है, धागा है, और आपके द्वारा उसको जो जा रहा है वो आना जाना या आदान प्रदान उसको कहते हैं सतत। अब दूसरी प्रक्रिया विविक्त, इसको आप समझ लो जैसे मैं आपको गेंदे कैच करा रहा हूं, तो आपका एक दोस्त और आप दोनों के बीच में गेंदों का आदान प्रदान हो रहा है, आप दोनों गेंदे एक दूसरे को कैच करा, या आप दे रहे हैं दूसरा कैच कर रहा है। गेंदे देने का ये जो प्रक्रिया है इसको आप सतत नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आपका मित्र गेंद लेता है, गिराता है यानी पटकता है, फिर दूसरी गेंद लेने आता है, तो जब वो गेंद लेकर पटकता है फिर लेने आता है उस बीच में उसका हाथ खाली है, और उसका हाथ खाली है तो स्वाभाविक है गेंद का ये विनिमय आदान प्रदान किसके रूप में कहलाएगा, बंडलों के रूप में। क्लियर, ये मैंने वस्तु से समझा दिया। अगर भौतिक राशि का आदान प्रदान गेंदों की तरह बंडलों के रूप में हो रहा हो तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर सर, तो क्वांटीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि का आदान प्रदान बंडलों के रूप में होता है, सतत नहीं होता है। क्लियर सर, तो सब इसका मतलब आप समझ गए, एक से दूसरी वस्तु की तरफ आवेश का वितरण सतत नहीं है बंडलों के रूप में। अब आ जाए दूसरी बात क्वांटम, जब आप भौतिक राशि का आदान प्रदान बंडलों के रूप में कर रहे हैं, पीसेस के रूप में कर रहे हैं, टुकड़ों के रूप में कर रहे हैं, तो इस आदान प्रदान में जो भौतिक राशि का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव है उससे छोटा नहीं है ना, सबसे छोटा मान जो लिया और दिया जा रहा है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं, यानी स्मॉलेस्ट बंडल, सबसे छोटा टुकड़ा
जिससे छोटा संभव नहीं, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। अब कंटिन्यू पूरी बात को फिर, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर बंडलों के रूप में होता है तो भौतिक राशि के आदान प्रदान अर्थात विनिमय की इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं, तथा क्वांटीकरण की इस प्रक्रिया में अर्थात टुकड़ों के इस लेन देन में भौतिक राशि का वह न्यूनतम टुकड़ा या वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। अब यहां पर बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आप जब क्वांटम बोलें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस मात्रा को आपने क्वांटम बोल दिया फिर उससे छोटी मात्रा पॉसिबल नहीं है। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं, जैसे मान लो मेरी जेब में कोई सिक्के हैं एक ही तरह के, क्लियर, अब आदान प्रदान से आप पहचानना वो सिक्के कौन से हैं। जैसे आपने मुझसे 2 रुपए मांगे, मैं दे देता हूं, आपने मुझसे 1 रुपए 75 पैसे मांगे, मैं दे देता हूं, आपने मुझसे 1 रुपए 65 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पाता, आपने मुझसे 15 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पाता, आपने मुझसे 20 पैसे मांगे, मैं नहीं दे पा रहा, आपने मुझसे 500 रुपए मांगे या 5000 मांगे, मैं देने को तैयार हूं, आपने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे 5 लाख रुपए और 60 पैसे मांगते हैं तो मैं देने के लिए मना कर देता हूं। क्लियर, आप मेरे से 2000 रुपए मांगते हैं, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे से कहते हैं 2000 रुपए और 40 पैसे दो तो मैं मना कर देता हूं। इसका मतलब मेरी जेब में जो सिक्के हैं वह कॉइन किसका है, 25 पैसे का, है ना, ये 25 पैसे का 8 गुना है, मैं देने को तैयार हूं, ये 7 गुना है, मैं देने को तैयार हूं, ये उसका गुना बनता ही नहीं है। अब जैसे मैं मान लो ये 1 रुपए 50 पैसे होते तो मैं 6 सिक्के दे देता, लेकिन 65 पैसे हैं, अब 15 पैसे मैं कहां से लाऊंगा, पॉसिबल नहीं, ये 15 पैसे मांगे, मेरे पास 25 का सिक्का उसे तोड़ ही नहीं सकता, ये 20 पैसे मांगे मैं दे ही नहीं सकता, 25 का सिक्का है, ये 5000 रुपए मांगे, 5000 दे सकता हूं मैं, उसमें 20000 सिक्के पकड़ा दूंगा, 20000 सिक्के 5000 के बराबर है, ये 5 लाख मांगे मैं 20 लाख सिक्के पकड़ा दूंगा, लेकिन 60 पैसे कहां से लाऊं, मैं 50 पैसे तो देता 2 सिक्के देकर, लेकिन फिर 10 पैसे का कहां से लाऊंगा। तो मेरी जेब में जो पैसे हैं उसका क्वांटम आप किससे कहेंगे, 25 पैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखें कि क्वांटम वह न्यूनतम मात्रा है जिससे न्यूनतम पॉसिबल नहीं, उससे छोटा संभव ही नहीं है। अगर मान लो मैं 15 पैसे भी दे रहा हूं तो इसका मतलब मेरे जेब में 25 का सिक्के नहीं है, फिर कोई और सिक्के है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये बोल देते हैं कि सब फला मात्रा क्वांटम है तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मात्रा अगर क्वांटम है तो फिर उससे छोटी मात्रा संभव है। इसको ऐसे समझें, मिठाई से समझ लें, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला 1, उसको हम कहते हैं मिठाई का क्वांटम। अब कोई आपसे कहे मैंने 3 रसगुल्ले खाए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे छोटा मान 1 रसगुल्ला। कोई आपसे कहता है 5 रसगुल्ले खाए, बिल्कुल खाए होंगे क्योंकि 1 रसगुल्ला सबसे छोटा मान। लेकिन कोई आपसे कहता है कि मैंने 4.5 रसगुल्ले खाए तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रसगुल्ले का क्वांटम आपने 1 रसगुल्ले को मान रखा है, तो 4 रसगुल्ले तो हो सकते हैं, फिर 1.5 यानी आधा रसगुल्ला कहां से आया।
क्योंकि हमने एक रसगुल्ले को क्वांटम कह दिया तो फिर उससे छोटा पॉसिबल है ही नहीं, मतलब आधा रसगुल्ला पॉसिबल था ही नहीं, फिर उसने कैसे खा लिया, है ना। अगर मान लीजिए मेरी जेब में 50-50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, तो सब मैं 60 पैसे किसी को कैसे दे सकूंगा, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर कोई मेरे से 2 रुपए मांगता दे दूंगा, क्योंकि 50-50 पैसे सिक्के, 2 50 के सिक्के पड़ा दूंगा। मेरे से कोई 500 रुपए मांगता है मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं जिनसे 500 रुपए बनता है। लेकिन कोई मुझसे कहता है कि 500 रुपए और 25 पैसे पकड़ाओ, मैं 25 पैसे कहां से लाऊंगा, क्योंकि क्वांटम मैंने, मेरे पास कौन है 50 का सिक्का। तो आपको मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप क्वांटम किसी क्वांटिटी को बोल दे तो फिर आप फंस जाएंगे। फंस जाएंगे का मतलब फिर उससे छोटा मान बोलना आपके लिए संभव नहीं होगा, या बिल्कुल कान खोल के सुनो। अब मैं आपको आवेश के अलावा अन्य उदाहरण से भी ये बात बताता हूं, है ना। अन्य उदाहरण भी मेरे पास हैं जिससे मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने बोहर का द्वितीय विघटित पढ़ा है। बोहर के द्वितीय विघटित में आप कहते हो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में होते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, है ना, h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी इसका 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, तो कोणीय संवेग का सबसे छोटा मान कौन हुआ फिर, h/2π। तो h/2π को क्या कहोगे आप, क्वांटम किसका, कोणीय संवेग का, ये सबसे छोटा मान है, बाकी उसका दुगना कर लो, तिगना कर लो, 4 गुना कर लो, है ना, वो तो पॉसिबल है, लेकिन उसका सबसे छोटा मान h/2π है। तो स्वाभाविक है क्वांटम तो पहले भी आ चुका आपके सामने, बोर के द्वितीय विघटित में साफ कहा है बोर ने कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में विद्यमान रहते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इसका मतलब h/2π कोणीय संवेग का सबसे छोटा मान है, ना, और जो सबसे छोटा मान है उसको क्या कहेंगे, क्वांटम। ऐसे आपने प्लांक का सिद्धांत पढ़ा, प्लांक के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में होता है, ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। तो साहब फोटोन ऊर्जा का बंडल है। अब मान लीजिए किसी फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है, या फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं 4 जूल एनर्जी दो तो आप दो फोटोन पकड़ा देंगे, मैं आपसे कहूं 6 जूल एनर्जी दो तो आप 3 फोटोन पकड़ा देंगे, मैं आपसे कहूं 10 जूल एनर्जी दो तो आप 5 फोटोन पकड़ा देंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं मेरे को 7 जूल एनर्जी चाहिए तो आप 7 जूल एनर्जी कहां से लाएंगे, 6 जूल तो दे देंगे, 6 जूल तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी मान रहे हैं अपन, 2 जूल, तो 6 जूल के लिए तो आप 3 फोटोन पकड़ा देंगे, लेकिन 7 यानी 1 जूल कहां से लाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब हम इस बात को अन्य जगह भी देखते हैं कि अगर हमने किसी को क्वांटम यानी सबसे छोटी मात्रा के दी तो आगे भी हमें संतुलन रखना पड़ेगा। अब आज ये डायरेक्ट अपनी बात को, आवेश का क्वांटम कौन है, अपने को तो मुख्य बात ये करनी थी जो अपन करके अपना काम खत्म करते हैं, है ना। आवेश का क्वांटम कौन है, आवेश का सबसे छोटा मान पता लगाने के लिए मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल की बूंदों पर आवेश का मापन किया। तेल की बूंद है ना, तेल की बूंद है, तो तेल पहली बात तो अवाष्पशील द्रव है, यानी तेल वाष्पित नहीं होता, सब्जी इसीलिए तेल में बनाई जाती है या तेल घी में बनाई जाती है। तो तेल अवाष्पशील द्रव है जो अस्तित्व में रहेगा, वह पानी की बूंदों की तरह वाष्पित नहीं होगा। तो आप पानी की बूंदें भी ले सकते थे, पर पानी की बूंदें वाष्पशील है, तो जब तक आवेश की आप गणना करेंगे तब तक वो वाष्पित होकर समाप्त हो जाएगी। इसने मिलिकन ने क्या ली, तेल की बूंदें ली, है ना। तेल की बूंदें अस्तित्व में रहती हैं क्योंकि ये वाष्पित नहीं होती। आप सब्जी में जितना तेल शुरू में डालते हैं अंत में भी सब्जी में वही तेल बना रहता है,
क्लियर। तो कहने का मतलब तेल अवाष्पित, किसी नोजल से स्प्रे करेंगे, नोजल से स्प्रे करेंगे वहां तेल बूंदों में विभाजित होगा, मतलब घर्षण होगा, तो बूंदे आवेशित हो जाएंगी। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार तेल की बूंदों पर या हजारों तेल की बूंदों पर आवेश की गणना की। हैरत वाली बात है कि सभी तेल की बूंदों पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम के पूर्ण गुणज के बराबरी पाई गई। यानी किसी बूंद पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया, किसी पर 500 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया गया। तो साहब मिलिकन ने जब हजारों तेल की बूंदों पर आवेश की गणना की तो हर बूंदों पर या सभी बूंदों पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज माना पाया गया। इसका मतलब आवेश की सबसे छोटी मात्रा अर्थात आवेश का क्वांटम परिमाण में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात यह आवेश की सबसे छोटी मात्रा है, इस मात्रा से कम संभव नहीं है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर। मतलब n का मान 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 220 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500,000 हो सकता है, लेकिन n का मान 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता, 2.8 नहीं हो सकता। तो साहब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अपूर्ण गुणज के बराबर नहीं। यानी आवेश की सबसे छोटी मात्रा किसके बराबर है, यानी आवेश का क्वांटम कौन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। ठीक है ना। तो सब आवेश का क्वांटम परिमाण में इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर। इससे रिलेटेड छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं जिसको मैं तोड़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन एपिसोड फिर लंबे हो जाते हैं, आपको भी समझने में दिक्कत है। तो आज आप पहले इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके कुछ और डिटेल भी आपके सामने डालूंगा, कुछ एक चीजें मैं आपके सामने डालकर इसे। तो आज तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप नेक्स्ट एपिसोड देखिए, उसमें मैं फिर इससे संबंधित और बात डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। मैं आज अपनी बात यहाँ समाप्त कर देता हूँ। क्वांटीकरण आवेश के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जिसमें आवेश का स्थानांतरण पीसेज या बंडलों के रूप में होता है। क्वांटम भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा मान है जिससे छोटा संभव नहीं है, ना। भौतिक राशि के न्यूनतम मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम। थैंक यू बच्चों, फिर कल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।